गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए लास्ट क्लास हम क्या बात कर रहे थे, हाँ हम आइसोटोप्स की एवरेज एटॉमिक मास की बात किए थे, कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइम प्रैक्टिस हो गई थी, आपको दो क्वेश्चन होमवर्क मिला था, एक ये क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था, आई थिंक ये था, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, बोरोनिक जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 5B10 एंड 5B11 एंड द एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन एज 10.8। अच्छा एम एवरेज आपको यहाँ दिया हुआ है, गिवेन इज एम एवरेज दैट इज गिवन एंड 10.8, यहाँ लिख लीजिए 10.8। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए 5B10 एंड 5B11 दिया है, तो मान लेते हैं ये हमारा कितना है x परसेंट, हमें नहीं पता तो x परसेंट मान लिए। अगर ये x परसेंट है तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 100 माइनस x परसेंट, क्यों, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम होगा। अगर ये 10% है तो ये 100 माइनस 10 यानी कि 90%, दोनों मिला के 100% होने चाहिए, सही है। चलिए ये समझ में आ गया, तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एम एवरेज इज इक्वल टू, लिख दे, लिख लीजिए एम एवरेज इज इक्वल टू एम वन इंटू ए प्लस एम टू इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये होता है रियल फॉर्मूला। हमने कहा था इस ए प्लस बी को हम तब इग्नोर नहीं करते हैं जब मोल्स दिया हो, अगर परसेंटेज में दिया हो तो ए प्लस बी हमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन में देखिए क्या परसेंटेज दिया है ना, x परसेंट 100 माइनस x हमने मान लिया है, जब हम परसेंटेज के साथ डील करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, इसको हटा देंगे हम। तो बस m एवरेज की वैल्यू दिया है कितना 10.8 इक्वल टू m1, देखिए कितना मास दिया इसका 10 इंटू ए, कितना परसेंट दिया है x, सो इट विल बी 10x परसेंट प्लस m2 कितना दिया है 11 इंटू बी, कितना दिया हमारा 100 माइनस एक्स परसेंट, तो यहाँ लिख लीजिए 100 माइनस एक्स परसेंट ब्रैकेट में, यहाँ परसेंटेज भी रहेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए अब ऊपर का रफ कर देते हैं हम। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10.8 इज इक्वल टू 10x परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 10x अपॉन परसेंटेज को अपॉन 100 कर सकते हैं, प्लस इसी तरह से 11 इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100 माइनस 11 इंटू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11x अपॉन, यहाँ भी परसेंट है तो इस परसेंट का मतलब अपॉन 100, इतना लिख सकते हैं। चलिए अगर इतना लिख सकते हैं तो फिर इसको रफ कर देते हैं, आगे देखिए 10.8 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लीजिए आप कितना 100, क्योंकि 100 एलसीएम सेम है इसलिए ऊपर के नंबर 10x आएगा यहाँ पर प्लस 1100 आएगा माइनस 11x, इतनी मैथ तो आती ही है, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 10x माइनस 11x, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर माइनस x आ जाएगा प्लस 1100 अपॉन 100, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इधर क्या बच के आ रहा है हमारा 10.8, ठीक है। अब क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10.8 इंटू 100 को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 1080, आप करके देख लीजिएगा 1080 आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 100 1100, यहाँ लिखते हैं ना प्लस 1100, ये वाला पार्ट बचा। अब क्या करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है तो दो तरीके, या तो x को इधर उठा के लेके आइए, तो ये x माइनस एक्स इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस x, और इसको उठा के उधर लेके जाइए तो उधर 1100 पहले से ही है, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 1080, जिसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 20, क्या आ गया ये 20%, तो 20% किसकी वैल्यू आई है 5B10 की, क्यों, क्योंकि उसी को हमने x माना था। अब हमसे पूछा गया बताइए 5B11 कितना होगा, बहुत सिंपल है, दोनों मिला के 5B10 एंड 5B11 दोनों मिला के 100% होंगे। अगर ये आपको मालूम चल गया कितना है 20%, तो ये कितना होता है 100 माइनस 20%,
दैट इज इक्वल टू 80%। आ गया आंसर आपका, सही है, कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। हमें यहाँ पर एवरेज मोलर मास निकालना है ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग O3 एंड O2, ठीक है, और उसका मास रेशियो दिया है 2:1। ध्यान रहे ये क्या दिया हमें, मास रेशियो। हमें एवरेज मोलर मास निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल रेशियो। तो हम पहले क्या करेंगे, मास रेशियो को मोल रेशियो बनाएंगे। पिछले लेक्चर हमने सीखा था कैसे बनाते हैं, चलिए इसको बनाते हैं। O3 एंड O2 के लिए सॉल्व करना, राइट, कितना दिया है 2:1, मास रेशियो की बात हो रही है, 2:1। हमें क्या निकालना है, पहला काम मोल रेशियो। तो देखिए मोल रेशियो मतलब हम पहले मोल्स निकाल लें। तो मोल्स कैसे निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए कितना मास दिया है इसका, 2 अपॉन मोलर मास कितना आएगा, 16 × 3 = 48। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो 16 × 3 = 48। ऐसे इसका कितना मास दिया है, 1। इसका मास कितना आ जाएगा, 16 × 2 = 32 आ जाएगा। तो देखिए मोल रेशियो सिंपल वे में निकालते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 32 यानी कि 64 रेशियो, 48 × 1 दैट इज इक्वल टू 48। अब क्या करिए, इनको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए किससे कैंसिल हो जाएंगे, 16 के टेबल में दोनों आते हैं, 16 × 4 = 64 एंड 16 × 3 = 48। तो हमारा नंबर आ गया 4:3। ये क्या है, हमारा मोल रेशियो है, इसी पे हमें सॉल्व करना है। तो बस अब हमारा काम हो गया, अब तो हम ना भी करें तो भी आप कर सकते हैं खुद से, चलिए कर ही देते हैं, जब इतना कर दिया तो आंसर भी निकाल देते हैं। मोल रेशियो आ गया ना, ये है 4 और ये है 3, बस हमें क्या निकालना है, एम एवरेज। एम एवरेज का फॉर्मूला m1 × a + m2 × b / a + b। ए प्लस बी को हम इग्नोर करते हैं कब, जब परसेंटेज में वैल्यू दिया हो तब। यहाँ हमें क्या दिया है, दिस इज द गिवन मोल्स रेशियो, यानी ये मोल दिया है, क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो बस रख दीजिए इनकी वैल्यू, m1 × a, इसका मोलर मास कितना आता है, 48 × 4, तो देखिए कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, प्लस m2 × b, 32 × 3, 96 अपॉन a + b, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, 8 × 2 / 7। इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 1 = 7, 1 = 10, 1 × 30 = 4। इसी तरह आगे सॉल्व कर देंगे, बस दो डिजिट तक क्या हमें निकालना होता है। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज मोलर मास, तो किसमें आएगा, ग्राम में, या फिर इसको ग्राम पर मोल में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। एक्चुअल यूनिट कौन है मोलर मास का, ग्राम पर मोल, लेकिन हम इन जनरल क्या लिखते हैं, ग्राम। उसे चलिए, जब इन जनरल की बात हो रही है तो एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम केमिस्ट्री के टर्म्स में वेट और मास दोनों को भी सेम लेके चलते हैं। इन जनरल वेट विल बी कंसिडर्ड एज द मास इन केमिस्ट्री। एक्चुअली दोनों इक्वल नहीं, हमें भी पता है वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, m × g हो जाता है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में हमेशा वेट वेट बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, हम वेट बोलते हैं, तो हम मास को ही क्या बोलते रहेंगे, वेट। जब भी हम वेट बोलेंगे तो आपको ये नहीं कि अब उसमें जी का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना, नहीं, जब भी हम वेट बोलेंगे आपको मान के चलना है कि वेट और मास हम दोनों एक ही चीज़ की बात हो रही है, यानी हम मास को ही बार बार क्या कह रहे होंगे, वेट कह रहे होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अभी आगे कुछ क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। टुडेज टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लीजिए, मान लीजिए
किसी एक बच्चे का मैथ्स का मार्क्स है 56, ठीक है, इंग्लिश का मार्क्स ले लीजिए कितना 30 ले लीजिए 30, एंड हिंदी का मार्क्स ले लीजिए 14। मान लीजिए ये कुछ ना ऐसे आर्बिट्री वैल्यूज लिया गया, हम जो आपको सिखाना चाहते हैं वो भी बड़ी ध्यान से समझिएगा। तो आप हमें ये बताइए कि आपका टोटल मार्क्स कितना आया। हाँ टोटल कितना आया, 100 आया ना, चेक कर लीजिए 56 460 70 एंड 300, सही है। अब हमसे कोई पूछे बताइए भाई मैथ्स का परसेंटेज कितना आया आपका, कितना पूछेगा आपसे इसमें मैथ्स परसेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर मैथ्स का मार्क्स 56 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, टोटल कितना हमारा 100 इंटू, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, देखिए 100 से 100 कैंसिल कितना आ गया 56%। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे बताओ हिंदी का कितना आया, तो आप कहेंगे सर लिख लीजिए हिंदी के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व कर दीजिए 14% आ जाएगा। हम जो आपको सिखाना चाहते हैं वो क्या है, ये सब बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, क्लास 6-7 की मैथ्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से आती है। हम आपको जो सिखाना चाहते हैं वो ये है कि जब भी आपसे किसी मिक्सचर में, हम इसको मिक्सचर क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें मैथ्स इंग्लिश हिंदी सब हैं, किसी भी मिक्सचर से जब एक कंपोनेंट की बात पूछी जाती है इंग्लिश की या हिंदी की या मैथ की, अब बोल दे रहे बताइए कितना परसेंट आएगा, तो हम क्या करते हैं उसकी अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। अच्छा अब हमें ये बताइए कि अगर कोई हमसे पूछे बताओ भाई इंग्लिश और हिंदी का मिला के कितना परसेंट आएगा, तो पहले आप क्या करेंगे दोनों के मार्क्स को जोड़ देंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी कितना हो गया आपका 44, तो उसको ऊपर लिखेंगे अपॉन कितना लिखते हैं टोटल, टोटल कितना है 100 इंटू 100% सॉल्व कर देंगे ये कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, आप इंग्लिश से निकाल लीजिए फिर हिंदी का निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, हमें उतना लंबा चौड़ा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल से वो ये है कि जिसका परसेंट निकालना है, ध्यान रहे जिसका परसेंटेज निकालना है वो नंबर हमेशा हम यहाँ न्यूमरेटर में लिखते हैं, अपॉन में हमेशा क्या लिखते हैं हम टोटल, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, सही है। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसकी भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा टोटल इंटू 100, 100 क्यों आ रहा है यहाँ पर, ताकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उस वैल्यू को बैलेंस रखने के लिए, सही है, समझ में आ गया। तो बस अब आपकी टॉपिक बिल्कुल आसान है, यही है परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का मतलब याद हो गया होगा, हाँ क्या क्या होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब क्या है हमारे पार्टिकल्स है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ द पार्ट्स बाई मास ऑफ दैट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ दैट कंपाउंड। देखिए अगर हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, 10 ग्राम एलिमेंट ए है, किसी भी कंपाउंड में 10% एलिमेंट ए, ग्राम के बाद छोड़ दीजिए परसेंट में बात करते हैं, 10% एलिमेंट ए है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम वो कंपाउंड है तो उस 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या होगा आपका एलिमेंट ए होगा। यही लिखा गया है कि अगर आप किसी का 100 पार्ट्स बाय मास ले लिए, यानी कि एक मास के 100 पार्ट्स कर दिए, तो उसके जितना परसेंट आपका एलिमेंट है उसी को उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ये डेफिनेशन नहीं है और आपको डेफिनेशन इसकी पूछी भी नहीं जाती है, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं, वो अभी हम नीचे सीख लेंगे। हम जो कहना चाहते हैं उसका मतलब ये है, अगर हमसे कभी कोई ये कह दे कि देखो भाई 15% बी एक कंपाउंड है ए टू बी सी में, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है ए टू बी सी में, इसमें 15% बी है, तो इसका मतलब आपके माइंड में हमेशा ये क्लिक करना चाहिए कि अगर मेरे पास 100 ग्राम
ए टू बी सी कंपाउंड है तो उसमें से कितना परसेंट, 15% ना, यानी कि 15 ग्राम क्या होगा, बी होगा। बाकी जो बचे 85% उसमें हमारा ए और सी दोनों होंगे। हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं, समझ में आ गया? तो चलिए छोटी सी चेकिंग हो जाए। देखिए 23% सोडियम इन सोडियम सल्फेट। बताइए कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सोडियम सल्फेट है तो इसका मतलब इसमें सोडियम कितना होगा? हाँ, इसका मतलब इसमें 23 ग्राम सोडियम होगा। बस इतनी इस बात आपको समझाई जा रही है, समझ में आ गया? तो ये जो परसेंटेज दिया जाएगा इसका मतलब कि जो भी कंपाउंड है अगर उसके 100 ग्राम की हम बात करेंगे तो जितना परसेंट यहाँ लिखा होगा उतने ग्राम वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें होगा। सही है, अभी समझ में आ गया? चलिए निकालेंगे कैसे, अभी तो हमने सीखा था मैथ में। देखिए इसको आप नोट कर लेंगे रिलेशन, ये आपको पहले से पता है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस आप देख लीजिए एक बार क्या लिखा है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट और पार्टिकल इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की एक पार्टिकल का, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, उसका अगर परसेंटेज मास आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ दैट पार्टिकल लिखेंगे, मास ऑफ दैट पार्टिकल, जिस पार्टिकल का आप निकाल रहे हैं परसेंटेज मास उसका मास ऊपर, नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, टोटल मास, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। समझ में आ गया? चलिए तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्या दो क्वेश्चन है, एक हम ट्राई करेंगे, मतलब एक हम करेंगे उसके बाद दूसरा आप करेंगे। चलिए पहला ट्राई करें, कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का निकालना, एलिमेंट्स कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमें बताना है कि इतने ग्लूकोज में, इस ग्लूकोज में कितना कार्बन होगा, कितना परसेंट हाइड्रोजन होगा और कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा। कर सकते हैं? चलिए अगर कर सकते हैं तो ट्राई करिए। क्या दिया हमें, C6H12O6। पहला काम हम इनका टोटल मोलर मास निकालेंगे, क्या टोटल, देखिए एक कार्बन एटम का 12 होता है, टोटल 6 है तो 12 × 6 प्लस एक हाइड्रोजन एटम का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम का 16 × टोटल एटम 6। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, इनको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 180 ग्राम। अगर आप मोलर मास निकाले हैं तो क्या आएगा, 180 ग्राम या 180 ग्राम पर मोल। यहाँ तक दिक्कत है कोई नहीं है? अब हम निकालते हैं, देखिए परसेंटेज मास या मास परसेंट ऑफ, पहला एलिमेंट कौन है, कार्बन, तो कार्बन के लिए निकालते हैं। अब हमें ये बताइए इस कंपाउंड में कार्बन का कितना मास है, कितना, 12 नहीं, कार्बन टोटल कितना है, C6, यानी कि 12 × 6 कितना है, 72 ग्राम है, अपॉन कितना लिखते हैं हम, टोटल, टोटल कितना है हमारा 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई क्या लिख देंगे 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कैंसिल कर दीजिए, 18 × 4 = 72, 4 × 10 = 40, आंसर आ गया आपका कितना, 40%, यानी कि एक मोल ग्लूकोज में या एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 40% क्या होता है, कार्बन होते हैं। सही है, अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, अब हाइड्रोजन के लिए देखिए, अब तो आप खुद से निकाल सकते हैं, चलिए वीडियो पर पॉज करिए, फटाफट करिए, हाँ कर लिया आपने, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का मास कितना था, H12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, तो 12 है तो 12 × 1 यानी कि 12 आ गया, अपॉन टोटल कितना, 180 × 100, अब इसको सॉल्व कर देंगे जो आएगी वैल्यू वो रख देंगे। नेक्स्ट देखिए,
परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन कितना था, H12O6, हाँ, तो 16 × 6 यानी कि 96 अपॉन टोटल 180 इंटू 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, और क्या कैंसिल हो जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 × 3 = 16, 6 = ये हो जाएगा 160/3। अब वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा आप, इसको भी आप चाहें तो देखिए ऐसे जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए, 2 और 3, ये वैल्यू होगी 20/3, यानी कि लगभग 6.6 बार के आसपास वैल्यू आएगी। ये कितना आ रहा है, 160/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 point something, 160 है ना, तो 53.33 या 53.3 बार लिख लेंगे, इतना परसेंट आ गया क्या आपका ऑक्सीजन। तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है, फिर उससे कम कौन है, कार्बन, और सबसे कम कौन है, हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका स्टेटमेंट गलत है या नहीं, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज मास जितना आपने निकाला सबको ऐड कर दीजिए, कितना आना चाहिए, हाँ 100% आना चाहिए। देखिए 53.33 और 6.66, इसको ऐड करें तो लगभग 60% हो जाएगा, और आप यहाँ भी निकाले थे कितना, 40%, सबको ऐड कर देंगे कितना हो गया, 100%, सही है, कर सकते हैं, आसान है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फटाफट करिए निकालिए, पहला मास परसेंट ऑफ कैल्शियम, चलिए फटाफट वीडियो पॉज करिए, हो गया, चलिए देखिए कैल्शियम का कितना मास है इसमें, 40 अपॉन कितना मास लिखते हैं, टोटल इसका 40, कार्बन का 12 कितना हो गया, 52 एंड 16 × 3 = 48, यानी कि ये 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल कितना हो गया, ये 40%, सही है, कर सकते हैं, चलिए अगर कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास परसेंट ऑफ कार्बन, लिख लीजिएगा मास परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन कितना, एक एटम, एक एटम का मास 12 अपॉन टोटल 100 इंटू 100, ये 100 से 100 फिर कैंसिल हो गया, कितना मिला हमें, 12%। इसी तरह आप ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन 16 × 3 = 48, यहाँ लिख लीजिए 48 अपॉन 100, यानी कि टोटल मास इंटू 100% वाला, ये कैंसिल, यानी कि 48%। अब चाहें तो सबको ऐड करके देख लीजिए, 48 + 40 कितना हो जाएगा, 88 + 12 कितना हो गया, 100%, सही है, चलिए आपका ये सही भी रहा होगा, हम समझ गए, आपने कर लिया, आसान था। एक चीज़ और आपको समझना है, वो समझने से पहले कई बार आपकी वैल्यू, मान लीजिए आंसर में दिया है 86, तो हो सकता है आपकी वैल्यू 85.7 आ जाए, हो सकता है 85.9 आ जाए, हो सकता है 86.1 आ जाए, अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है तो भी आपका आंसर क्या है, सही रहेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो हाइड्रोजन को 1.008 जो कि एग्जैक्ट मास होता है वो इतना लेके चल रहा हो, लेकिन हम तो अपना कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए क्या लेके चलते हैं, 1, सही है। इसी तरह कार्बन का कितना आता है, 12.001, लेकिन हम तो कितना लेके चलेंगे, सिर्फ 12, क्योंकि हम डेसिमल्स इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा बहुत डेसिमल में आगे पीछे हो सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो हम इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर आंसर 86 है तो मेरा आंसर 84 नहीं आना चाहिए, 85 point something है तो सही है, 86 point something है तो भी सही है, ये 86 से बड़ा यानी 87 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 84 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सही है, कर सकते हैं। तो चलिए इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आप पूछ लेगा, बताइए भाई मास परसेंट ऑफ कार्बोनेट आयन, मास परसेंट ऑफ कार्बोनेट आयन, तो देखिए क्योंकि पार्टिकल्स के लिए डिफाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप कार्बोनेट आयन के लिए, जब कार्बोनेट आयन की बात करेंगे तो यहाँ मास किसकी लिखेंगे आप? हाँ, किसकी लिखेंगे? कार्बोनेट आयन की। देखिए कार्बन 12 है एंड 16 थ्री जब 48, टोटल मास कितना आ जाएगा? 60। किसका? कार्बोनेट का। क्यों कार्बोनेट का लिखा हमने? क्योंकि अगर हमसे कार्बोनेट पूछेगा तो हमने मास तो पूरा कार्बोनेट का रखेंगे ना, सही है, अपॉन टोटल। अभी तो इसका टोटल निकाले थे, कितना आया था? 100 इंटू 100%, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 60%। हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो ये है कि कई बार आपसे कंपाउंड में आयन पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना है, जिस आयन की बात करेगा उस आयन का टोटल मास निकाल लेंगे, उसको ऊपर रखेंगे, अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। कर सकते हैं? चलिए, तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क तैयार है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम तो पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज ही देंगे, आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%। इसमें कार्बोनेट का नहीं पूछा था तो हमने कार्बोनेट निकाला नहीं है, लेकिन हम आपको बताए हैं जरूर कि कैसे निकाला जाता है। ये आपका होमवर्क, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के लिए पूछा गया है तो आप किसको किसको डिफाइन करेंगे? कॉपर के लिए, सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, सही है। इसी तरह यहाँ पर आयरन के लिए, सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए एंड हाइड्रोजन के लिए, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन, बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले ही निकाल ही चुके हैं। ध्यान रहे जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आपको पूरा का पूरा काउंट करना होगा, सही है, कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो डॉट है ये क्या डिफाइन करता है? क्लास टेंथ में याद है हमने पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ हमने देखा था कि सॉलिड फॉर्म में भी वाटर के क्रिस्टल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको ही हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सही है। इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक तरह का सॉल्ट है, इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो भी किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ऐसा नहीं कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्ट को आप जब टच करेंगे तो आपको गीला गीला मिलेगा, नहीं, वो बिल्कुल आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन उसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो भी कितने? 5 मॉलिक्यूल्स, सही है। इसी तरह ये 7 मॉलिक्यूल्स है, ये 5 मॉलिक्यूल्स है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आंसर मैच कर लेंगे। एक बार हम फिर से कह रहे हैं, आंसर्स हो सकते हैं आपके एग्जैक्ट मैच ना करें, पूरा पूरा चांस है कि आंसर आपका एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू रखी गई है, आप राउंडेड वैल्यू लेके चलेंगे, सही है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका आंसर ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे। इसके 3 सेक्शन हमें करने हैं। दिया है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलुमिना, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड इन द सैंपल ऑफ क्ले। हाँ, ये हमारे पास कंपाउंड है, क्या है वो? क्ले, मिट्टी के लिए दिया है, Al2O3, K2O एंड 6SiO2, और हमसे पूछ रहा है इस बार कि आप हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड बताना आपको। ध्यान रहे एलिमेंट नहीं पूछा है, एलिमेंट पूछता तो हम किसे किसे निकालते हैं? एल्युमिनियम का, ऑक्सीजन का, पोटेशियम का और सिलिकॉन का, लेकिन इस बार हमसे क्या पूछ लिया? ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए क्या कंपाउंड दिया था हमें, Al2O3 K2O SiO2
चेक कर लीजिए फॉर्मूला Al2O3 K2O6 SiO2। हमसे पहला पार्ट पूछा है कैलकुलेट परसेंटेज मास या मास परसेंट ऑफ एल्यूमिनेट Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का निकाल रहे हैं तो सबसे ऊपर अमाउंट पे किसका मास रखेंगे, एल्युमिनियम का या ऑक्सीजन का? हाँ, दोनों के कंबाइंड का। तो एल्युमिनियम का देखिए 27 होता है, 27 × 2 = 54 और 16 × 3 = 48, 54 और 48 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 102 आना चाहिए, 102 आएगा। अपॉन क्या चाहिए हमें, टोटल। टोटल क्या इसका निकालते हैं? नहीं, ये किसके कंपाउंड में मिला हमें, इस कंपाउंड से मिला ना, तो हमें यहाँ से निकालना होगा। अच्छा देखिए इतनी की वैल्यू अभी निकाले थे, 102 आया था प्लस पोटेशियम 39 × 2 कितना हो गया 78 प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 6 × SiO2 को एक ही में निकाल लीजिए। सिलिकॉन कितना, 14 × 28 होता है तो ये हो गया सिलिकॉन का 28 और 32 60, यानी कि ये हो गया 360। तो देखिए 360 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 94 हो जाएगी ना, हाँ। और ये है 102, सबको ऐड कर लीजिए तो 102 और 94 196, तो ये हो गया 6 5 5, सही है ना। हाँ देखिए 102 556 ये आ जाएगा टोटल, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा × 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, वो तो आप कर ही सकते हैं, हम कर दें, देखिए कर देते हैं। क्या दिया है, 102 × कहाँ है, ओहो 102 × 100 करेंगे तो 20 और आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, ओहो फिर से गलत हो गया, 102 00 डिवाइडेड बाई 556 आंसर आ जाएगा 18.34। आगे और भी है, हम दो डिजिट तक लिख लेंगे 18.34%। ये क्या है हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का है, कर सकते हैं। इसी तरह अब आप दूसरा कैलकुलेट करके बताइए हमें, परसेंटेज मास ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, सेकेंड पार्ट में यही पूछा गया है K2O, निकाल के बताइए फटाफट। वीडियो पॉज करिए, जल्दी से करिए, कर लिया आपने। देखिए पोटेशियम का 39 × 2 78 और 16 ये हो जाएगा 94 अपॉन टोटल कितना 556 × 100, इसको सॉल्व कर देंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 9400 डिवाइडेड बाय 556, ये आ जाएगा 16.90%, 16.90 यानी कि 9%। इसी तरह से एक और कैलकुलेट करना है आपको, किसका, हाँ वाटर वाला, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर सी, सो मास परसेंट ऑफ वाटर क्रिस्टल्स, देखिए वाटर क्रिस्टल्स कितने, 6 H2O, तो पहले हम H2O नहीं, वाटर क्रिस्टल थोड़ी निकालना हमें, सिलिकॉन का निकालना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉरी, यस, तो इसको इरेज कर दीजिए। S6 times ऑफ SiO2 है तो SiO2 लिख लेंगे = ये तो आप कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। देखिए सिलिकॉन का 28 और ऑक्सीजन का 16 × 32 यानी कि 60, कितने वहाँ पे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 60 × 6 360 अपॉन टोटल कितना है 556 × 100, इसको सॉल्व कर देंगे जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आप लिख लेंगे। कहाँ गया कंपास,
कैलकुलेटर देखिए 36000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाई 556, इट विल बी 64.74%। तो आपका आंसर आ गया 64.74%। ये क्या है आपका सिलिका, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। कर सकते हैं। तो बस इसी टाइप के आपको दो क्वेश्चन और दिए गए होमवर्क में, वो देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ये मॉलिक्यूल है, एल्युमिनियम सल्फेट ये भी मॉलिक्यूल है, एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि H2O वो भी मॉलिक्यूल है, इन द सैंपल ऑफ पोटैश एलम K2SO4 Al2SO4 24H2O। ध्यान रहे आपको ये सब फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते चलिए देखते चलिए, धीरे धीरे सब आपको याद होता चलेगा। कर सकते हैं। तो आप तीनों का निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर आल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फेट आयन, किसका, सल्फेट आयन का, तो कर लीजिएगा। सल्फेट आयन देखिए कितने मिलेंगे आपको, एक तो यहाँ पर मिलेगा और तीन यहाँ पर हैं, तो टोटल सल्फेट आयन कितने हो गए, 4। तो एक सल्फेट आयन का मास कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आपका मास हो गया कंपोनेंट का अपॉन टोटल मास निकाल के इनटू 100 करके सॉल्व कर दीजिएगा। कर सकते हैं। अब आप कर लीजिएगा, ये इसकी आंसर है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी कि कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स क्यों कंबाइन होते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। देयर आर जनरली 5 लॉज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफाइन केमिकल कम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, दिस लॉ वॉज स्टडीड बाई फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोइजर इन 1789। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल प्रोसेस, इसका मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो मैटर ना ही बनता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, सही है, यस। यानी कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, हम क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप टोटल ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि अगर हम टोटल रिएक्टेंट्स 10 ग्राम मिक्स किए हैं रिएक्शन में तो हमें प्रोडक्ट्स भी 10 ग्राम ही मिलेगा। हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको हमेशा कम मिलता है, क्यों कम मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास चेंज हो जाता है, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे भी। अच्छा दिया यहीं पर देख लीजिए उसको भी नोट, इस नोट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्या है ये, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस एज सम मास मे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉलोइंग E=ΔmC²। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे मास के कुछ पार्ट वो क्या बन जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन से रिलेशन से, हाँ आइंस्टाइन E=mc²। ये जो रिलेशन है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी तो आप इतना ही मान के चलिए, सही है। यानी कि आप इतना कह सकते हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और कई बार आप देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आपने सुना होगा आप कि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, सुना है ना, तो वो हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसका मतलब जो आप रिएक्शंस करा रहे हैं उसी का मास क्या बन रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। खैर अभी आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, साइज ज़्यादा पड़ा हो गया ना,
देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सोडियम, नॉट सोडियम, सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सब कुछ दिया है, बस आपको मैथ्स यूज करना है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चे नाइन्थ के कर चुके हैं। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का मास हमसे निकालने के लिए कहा है, तो मान लीजिए कितना है, x ग्राम है। सोडियम क्लोराइड आपको दिया है कितना, 5.85 ग्राम, तो उसको यहाँ लिख लिया हम। फिर कह रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है सिल्वर क्लोराइड वो कितना है, 14.35 ग्राम, एंड जो सोडियम नाइट्रेट बन रहा है वो है 8.5 ग्राम। तो बताइए कि इसका मास कितना होगा। अभी तो हमने पढ़ा था कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जितना इधर का मास है उतने मास इधर का भी होना चाहिए। तो इनका टोटल मास निकाल लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22.85। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 5.85। आप हमें ये बताइए इस 5.85 में कितना मिक्स करेंगे ये 22.85 मिल जाएगा। तो बस क्या करना है, 5.85 को इधर लेके आइए, माइनस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा कितना आएगा, 17 ग्राम। तो कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, सिंपल सा सबकी वैल्यू रखिए और प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, द रेसिड्यू इज फाउंड टू बी 18 ग्राम। रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ, अब इसमें एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। देखिए कह रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का 4.2 ग्राम एसिटिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, कितना, 10 ग्राम। तो आप हमें बताइए कि उसमें सोडियम एसीटेट कितना मिलेगा। देखिए सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन आपको दिया रहेगा, इतना आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें दिया है कि रेसिड्यू यानी कि जो बचा सॉलिड पार्ट वो इतना है, कितना, 12 ग्राम, यानी कि दोनों का मास मिला के दे दिया कितना, 12 ग्राम। पूछ रहा है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनी होगी। तो बस पहले इधर का टोटल मास निकाल लीजिए, 4.2 एंड 10 कितना हो जाएगा, 14.2। टोटल 14.2 ग्राम रिएक्टेंट्स में है, यानी कि प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 14.2 ग्राम, जिसमें से 12 ग्राम तो अभी आपके पास है। तो बताइए कितना ग्राम गैस रिलीज हो गया, कितना ग्राम मिसिंग है आपका, 2.2 ग्राम ना, यानी कि 2.2 ग्राम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था जो कि उड़ गया, इसीलिए आपका मास आपको दिख नहीं रहा है। सही है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा इसके लिए दूसरा तीसरा की जरूरत ही नहीं है। देखिए इनको आपने ऐड किया था कितना आया, 14.2 इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ से यहाँ तक का मास पता है कितना, 12 ग्राम प्लस, इसका नहीं पता था आप मान लीजिए y प्लस y, y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14.2 इज 12 प्लस 12 को डाके लेके आएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, 14 माइनस 12 की वैल्यू 2.2 आ गया, फिर से 2.2 ग्राम। कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट सेकेंड लॉ देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन और प्रोपोर्शन। देखिए कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है जो कि चेंज ना हो, डेफिनेट का भी मतलब क्या होता है, फिक्स, कंपोजिशन का मतलब हाँ वो जिससे बने हैं उसका रेशियो, और प्रोपोर्शन का मतलब भी उनका रेशियो, यानी कि इन दोनों का मतलब सेम है और इन दोनों का भी मतलब सेम है। कई बार आपको ये इस नाम से मिलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कई बार आपको मिलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, सब एक ही है। इसी के चारों अलग अलग नाम आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिल जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। दिस लॉ वॉज स्टडीड बाई द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट इन 1799, कब, 1799 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेम कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द सेम और फिक्स प्रोपोर्शन बाई वेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना,
खैर छोड़े इसको, इसका लॉ के हिसाब से ये कहते हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और उस वाटर को हम कई जगह से उठा के लेके आते हैं, मान लीजिए हमने सी से लेके आया, सैलिन वाटर, खारा पानी मिलेगा समुद्र का, ठीक है, मैंने कुछ पानी के सैंपल लेके आए प्यूरिफाइड वाटर, यानी जो हमारे लैब में मिलता है डिस्टिल्ड वाटर, वो कुछ वाटर हमने लेके आया वेपर से बनाकर, जो वेपर होता है ना उसको कंडेंस करते हैं, जब ठंडा करते हैं तो फिर से लिक्विड बनता है, वहाँ से कुछ वाटर हम लेके आए रिवर से, कुछ लेक से। अब मीथेन गैस जो है, जब आप उसको जलाते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है, वो वाला हमने वाटर लेके आए। ऐसे कई जगह से हमने वाटर को कलेक्ट किया, और जब भी हमने कलेक्ट किया हमें एक ही चीज़ मिला, क्या था वो, वाटर का फॉर्मूला H2O ही था। अब H2O का अगर मास रेशियो लिखे हम, तो हाइड्रोजन का 1:2 कितना हो गया, 2H2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्योंकि ये कभी कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लीजिए, ये आएगा 1:8 रेशियो बाई मास। यानी कि ये लॉ ये कहता है कि इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप अपना कंपाउंड कहाँ से लेके आए हैं, वो हर बार उसका जो मास रेशियो होगा, हाँ, वो जिस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइंड हुए होंगे वो हर बार आपको सेम मिलेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बात मेरी समझ में आई, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है एकदम, सही है, हाँ। तो ये हुई बात इसकी, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ यू हैव टेकन एनी कंपाउंड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, द फॉर्मूला एंड द रेशियो बाई मास विल बी ऑलवेज फिक्स्ड एंड द सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेस। आप हर जगह से लेके आइए, हर जगह इनका मास रेशियो जो मिलेगा वो 1:8 ही मिलेगा, वो कभी भी चेंज नहीं मिलेगा। ऐसा आप चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब हम कार्बन को जलाते हैं, कंप्लीट कम्बस्टन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, मिलता है ना। जब आप मीथेन गैस को बर्न करते हैं तो वहाँ से भी आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मिलता है। फिलहाल हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है, तो इसको ले लिया हमने, एक इसको ले लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहाँ से ले लिया, एनवायरनमेंट से, एक आप चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट से निकाल लीजिए। जब आप इसको हीट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो आपने एक और ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशियो, कार्बन कितना होता है 12H2, O2 का कितना आएगा 32, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3:8, 4 से डिवाइड होता है ना, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 3:8, ये भी कितना आएगा 3:8, ये भी कितना आएगा 3:8। हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो बस इतनी सी बात है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंपाउंड आप कहाँ से लेके आए हैं, यानी उसको सोर्स से कोई लेना देना नहीं है, वो हर बार एक केमिकली फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा बाई मास, यानी उसका जो मास रेशियो आएगा वो हर बार सेम आएगा आपको, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, चलिए इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या है वो, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट आइसोटोप्स बिकॉज मास इज डिफरेंट। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने लिया है, एक में आपने लिया C12, तो आपका रेशियो कितना आएगा 12:32 आएगा ना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 एटम है यानी कि 32। अब मान लीजिए दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, उसमें आपने कार्बन कौन सा लिया 13 वाला, आइसोटोप्स में पढ़ा था C12, C13, C14, तो आप बताइए इसका रेशियो कितना आएगा 13:32, क्योंकि ऑक्सीजन का तभी उतना ही है, ये चेंज हो गया। क्या ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, नहीं है, यानी कि अगर आपने उसका आइसोटोप यूज करने लगे वहाँ पर तो फिर ये रूल वहाँ पर काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि दिस रूल और दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ यू आर यूजिंग आइसोटोप्स बिकॉज आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास,
क्योंकि आइसोटोप का मास अलग अलग होता है, इसलिए उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, अगेंस्ट है। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी यही समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं है इसमें। दिस लॉ वॉज स्टडीड, सॉरी यहाँ पर डी होगा ना, दिस लॉ वॉज स्टडीड बाई जॉन डाल्टन इन 1803। ये 1803 में जॉन डाल्टन ने इसको डिस्कस करके हम लोगों को बताए थे। कौन? जॉन डाल्टन। इनके और भी थ्योरीज है जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको इसी नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, देखिए वो कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट्स है, ठीक है, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, दो एलिमेंट से अलग अलग टाइप का आपके कंपाउंड बनते हैं, क्या अलग अलग टाइप के। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब मिलता है, हाफ कंबस्टन में। दूसरा क्या मिलता हमें, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मिलता है। तो ये कहता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर आपने दो एलिमेंट से अलग अलग कंपाउंड बनाए हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का अगर मास आपने फिक्स कर दिया, किसी एक एलिमेंट का मास आपने फिक्स कर दिया, तो जो दूसरे एलिमेंट का मास आता है वो एक दूसरे के इंटीग्रल वैल्यू के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, यानी कि इनका रेशियो सिंपल रेशियो आएगा, किसका, दूसरे वाले का। अब मान लेते हैं कि मेरा कार्बन हमने फिक्स कर दिया, देखिए कार्बन का मास यहाँ पर कितना है, 12 है, ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पर, 16, एक ही एटम है ना तो 16 आएगा। यहाँ पर कार्बन कितना है, 12 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 32। आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए वो ये कहता है, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट से आप एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर आप दोनों कंपाउंड में, दो से ज़्यादा वाले कंपाउंड में अगर एक का मास फिक्स कर दे, हमने कार्बन का कर दिया 12, 12, दोनों में फिक्स हो गया सेम, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसका मास एक दूसरे के सिंपल रेशियो में मिलते हैं। देखिए कैसे, 12, 12 तो फिक्स हो गया, इसका मास कितना है आपका, 16 रेशियो, इसका मास कितना है ऑक्सीजन का, 32। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल रेशियो मिलेगा आपको क्या, 1:2। बस ये लॉ यही कहता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई एग्जांपल देखना है, देख लीजिए, आप चाहे तो वाटर को देख लीजिए, एक मिलता है वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी मिलता है H2O2। देखिए इसमें हमने किसको फिक्स कर लिया, पहले मास लिख लीजिए 2H2 16, ये हो जाएगा इसका 2H2, इसका 16 2 या 32। देखिए ये तो हमने फिक्स कर दिया 2, इसको छोड़ दीजिए, तो जो दूसरा वाला है 16 और 32, इसका रेशियो सिंपल रेशियो होना चाहिए, देखिए है कि नहीं, 16 1 16 16 2 32, क्या आ गया, 1:2। सिंपल रेशियो का मतलब इन वैल्यूज में कहीं भी आपको डेसिमल नहीं मिलना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये भी फॉलो करता है ऐसे ही, आप नेक्स्ट ट्राई करिए, देखिए खुद से SO2 और SO3 का चेक करके बताइए, वीडियो पॉज करिए, फटाफट चेक करिए, कर लिया आपने, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए SO2 इसमें सल्फर का मास आपने फिक्स कर दिया कितना, 32, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर कितना आएगा, ये भी तो 32 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें भी सल्फर आपका फिक्स है कितना, 32, तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना आएगा आपका, 48, ये देखिए 16 से डिविजिबल हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 2 और ये वैल्यू आ जाएगा 3, तो आपको सिंपल रेशियो क्या मिला, 2:3, क्या इसमें कहीं डेसिमल मिला आपको, नहीं। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या है, यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है, क्लियर है, एकदम सही है। एक चीज और, क्या हर बार हमें इतना करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान से देखिए, अगर सल्फर के एटम्स आपके 1:1 हैं, ठीक है, बताइए ऑक्सीजन का ही चेंज है, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं,
टू रेशियो ऑक्सीजन के कितने एटम यहाँ पर, थ्री, ये आ गया रेशियो आपका। ये आपका छोटा सा ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक वही है जो पीछे हमने एक्सप्लेन किया आपको। हाँ, ये शॉर्ट तरीका है, जब आप बिल्कुल कंपटीशन वगैरह में बैठे हैं, टाइम नहीं है, तो आप ऐसा फटाफट निकाल सकते हैं आंसर अपना, कर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन हमने किया था CO और CO2 का। देखिए कार्बन कार्बन सेम है, बिल्कुल एक एक एटम है तो छोड़ दीजिए उसको। ऑक्सीजन कितना है, वन रेशियो। दूसरा ऑक्सीजन कितना है, दो एटम, वन इज टू टू। आप पीछे देखे होंगे तो हम निकाले थे तो यही आया था वन इज टू टू। ऐसे ही वाटर और वाटर परॉक्स हाइड्रोजन परॉक्साइड का देख लीजिए, एच टू ओ टू का। इसमें हाइड्रोजन एच टू, इसमें हाइड्रोजन एच टू, इसको छोड़ दीजिए, दोनों फिक्स कर दीजिए सेम। यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ ऑक्सीजन का दो एटम, यानी कि यहाँ भी क्या रेशियो आएगा, वन इज टू टू, कर लेंगे। लेकिन लॉजिक क्या है, आप मास से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही है। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। टिल दैट थैंक यू सो मच।